गाइस, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल बोल्ड स्काई। देखो दोस्तों, बाय चांस मुझे एक लॉन्ग वीकेंड मिला था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पर एक दो दिन रेस्ट करने के बाद मैं भी घर में बोर हो गई, तो सोचा चलो कहीं घूम ही आते हैं, वेदर भी सही है। तो मैंने अपने पैरों को दिया थोड़ा सा कष्ट और मैं निकल गई घर से। गाड़ी से बाहर तो देखो लोग कितना भाग रहे हैं, बस पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अरे चचा थोड़ा तो रुक जाओ। खैर मुझे क्या, चलते चलते मैं तो आ गई ग्रेटर नोएडा जहाँ चल रहा था पुष्पोत्सव। अब स्प्रिंग सीजन तो चल ही रहा है, तो फूल भी बड़े सुंदर सुंदर खिले होते हैं, तो मैंने भी सोचा चलो आज यहीं घूम लेते हैं। अब मैंने ले ली है एंट्री। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ हर जगह हमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। डेकोरेशन भी काफी मस्त है। वैसे मौसम तो अच्छा था, पर मैं गलती से पहन के आ गई स्वेटर, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा ही कंफ्यूजिंग चल रहा है कि कभी ठंड कभी धूप तो कभी बारिश। यार मैं पहुंच तो गई हूँ पर कसम से गर्मी बहुत लग रही है, पानी में पैड बोलो। खैर मेरे आउटफिट का तो कुछ नहीं कर सकते, चलो इवेंट ही एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आई अंदर एंड आई गॉट टू नो दैट इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्लोरिकल्चर सोसाइटी ऑफ ग्रेटर नोएडा, जिन्होंने कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज और स्टेज शोज भी ऑर्गेनाइज किए थे। लोग भी यहाँ काफी एंजॉय करते हुए नजर आए, स्कूल के बच्चे भी यहाँ काफी एक्टिव दिखे। बाय गॉड ये देखकर स्कूल के दिन ही याद आ गए, दैट हाउ आई एम सो एक्टिव इन करिकुलम एक्टिविटीज। कोई ना, बीती बातों को क्या याद करना। वैसे आज मुझे यहाँ बड़ा ही मजा आने वाला है, बच्चों को तो देखो क्या मस्त डांस कर रहे हैं और लड़कियां भी कितनी कितनी सुंदर लग रही हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है इसे जानने के लिए मुझे मिले विनोद गोयल, हु इज मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ फ्लोरिकल्चर। इनसे मैंने बात की और पूछा कि इस इवेंट के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। नहीं, इस तरह के प्रोग्राम मैडम होने तो चाहिए लेकिन डेली बेसिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी महत्वता का महत्व नहीं रहेगा, वो महत्वता खत्म हो जाती है। महीने में या छह महीने में या वर्ष में एक बार इस तरह के प्रोग्राम अच्छे होने चाहिए, उससे मनुष्य का जो मानव जाति है उसका आकर्षण ज्यादा बढ़ता है। अगर डेली होंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, होने चाहिए। लेकिन जो फूल हैं ये अपने समय पे ही खिलते हैं, ये बसंत ऋतु में ही फूल ज्यादा दिखाई देते हैं, तो बसंत ऋतु में ही इस तरह के प्रोग्राम, फ्लावर शो के प्रोग्राम बसंत ऋतु में ही अच्छे लगते हैं। तो अच्छा है, बच्चों और एनवायरनमेंट को कनेक्ट करने के लिए काफी अच्छा इनोवेटिव प्लान है। अब यहाँ पर कई सारी फैमिलीज भी आई हुई थी जो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आई। वैसे दोस्तों जो फूल है ना वो हमेशा से सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर एक फूल का अलग नाम होता है और साथ ही उसके कई सारे बेनिफिट्स भी, कैसे, चलिए आगे बताती हूँ। अब घूमना फिरना तो हो गया, अब मैं आ गई खाने के स्टॉल पर। चलो पेट पूजा तो हो गई, अब मुझे यहाँ मिली कुछ आंटियों का ग्रुप जिनकी माय गॉड बड़ी ही अच्छी वाइब थी। हुर्रे! मस्ती करने के बाद मैं आगे बढ़ी तो यहाँ मुझे दिखाई दिए कई सारे स्टॉल्स जिसमें आप खेल भी सकते हो, और कुछ फार्मिंग टूल्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। अब यार इतना बड़ा इवेंट है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, तो कैसे इसे ऑर्गेनाइज किया होगा ये जानने के लिए मैंने बात की नाथोली सिंह से, जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के डायरेक्टर थे। हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो सोसाइटी ग्रेटर नोएडा है इसमें ग्रीनरी को बढ़ाना और इसमें एनवायरनमेंट के ऊपर लोगों में जागरूकता पैदा करना। नंबर टू, ये जो कम्युनिटी है ग्रेटर नोएडा की, इन सबको एक सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ताकि टुगेदर एक बहुत बड़ा ग्रुप बने और ये पूरे ग्रेटर नोएडा के अंदर जो भी ग्रीनरी है, जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, उनके ऊपर थोड़ा उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इतना खूबसूरत सिटी प्लान किया गया है, उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए तो हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके, हमने बहुत दिन से प्रयास में थे हम लोग कि ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्रोत्सव कर सकें,
तो हमारी अपनी ग्रेटर नोएडा फ्लोरिकल्चर सोसाइटी है जिसके साथ हम लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने इनके साथ मिलकर, बड़ा अच्छी बात है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने हमें सहयोग किया और बहुत कम टाइम में हम लोग ये प्लान कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में प्लानिंग होने में बहुत टाइम लगता है। फिर कुछ बीच में ट्रांसफर भी हुए थे ऑफिसर्स के, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने हमें सहयोग किया और आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का भी उतना ही इसमें योगदान है जितना सोसाइटी का योगदान है। वैसे आजकल के जेन जी बच्चे नेचर से कुछ ज्यादा ही दूर है, उनको नेचर और एनवायरमेंट से कैसे कनेक्ट करना है ये मैंने पूछा मंजुला मिश्रा से। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो है ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का। वी आर मेंबर्स वॉलंटियर्स ऑफ ग्रेट नोएडा फ्लोरिकल्चर सोसाइटी, तो उसमें हमारा यही रहता है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, हाउ वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रेन, अमंग सिटीजन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। तो ये जो शो है, दिस विल बी एन एनुअल शो, इसकी थीम भी यही है टू कल्टिवेट द लव फॉर नेचर and to involve all citizens in the protection of nature and protection of environment. Okay. Iske alawa humne theme bhi chalai hai to ban the use of plastic. Okay. And that is why we are giving out these kind of bags. Yeah. Jo aur signature campaign bhi kare school ke bachcho ko bhi ye cheez sikha rahe ki plastic na use kare and environment ko protect kare. Workshops bhi honge how to protect trees, how to ये सब चीज हमारे सब हो रहे हैं। तो आपने वर्कशॉप अभी बताए, तो और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो यहाँ पर करवाई जा रही है? ये पूरी तीन दिन में द लॉट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स एज यू कैन सी अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा जैसे गार्डनिंग की वर्कशॉप्स हैं, पेंटिंग कंपटीशन है, रंगोली कंपटीशन है, आज सुबह साइक्लोथॉन हुई है साइकिलिंग के लिए फॉर अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो रहे हैं जिसमें कि सिटीजन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, सो वी आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व एवरी ऑल स्टेट ऑफ सोसाइटी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, जैसे पहले के अगर हम टाइम में जाएं तो हम नोटिस करते कि ऐसे इवेंट्स ज्यादा नहीं होते थे जी, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं से दूर चले गए हैं, नेचर से दूर चले गए हैं, और जैसे आपने अभी इवेंट ही ऑर्गेनाइज करवाया तो आप भतेरों बच्चों से मिले होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, नेचर से उतना कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, अभी देखिए जैसे कि जो ये सब अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे AQI लेवल इतनी डेंजरस लेवल, इवन ग्रेट नोएडा जैसे ग्रीन जगह में भी 450 क्रॉस कर रही थी। अभी हम बैंगलोर में देख रहे हैं कि पानी की वहाँ किल्लत हो रही है, बैंगलोर जैसे सिटी में। तो हम अभी यदि बच्चों में ये अवेयरनेस नहीं करेंगे तो देयर फ्यूचर इज इन रहने लायक नहीं रहेगा। तो दिस इज फॉर टुमारो दैट वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी टुडे। लगता है इन्हें मैं बहुत पसंद आई, इसलिए तो इन्होंने मुझे दिया ये छोटा सा तुलसी का प्लांट और एक क्लोथ बैग, बिकॉज यस वी सपोर्ट नो प्लास्टिक बैग। हुर्रे! तो दोस्तों मुझे तो यहाँ पर माय गॉड बड़ा ही मजा आया, क्योंकि मौसम अच्छा है और जहाँ पर फूल हो वहां पर मजा ना आए कैसे हो सकता है। तो अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ और फैमिली वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर आइएगा, और आई होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद बोल्ड स्काई। तब तक के लिए गुड बाय।